उतार के इनकी तह लगाती हूँ। तो सिलने दे क्या, उससे पहले आपको मैं दिखा रही। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं वो फुल वॉच और बेल के साथ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी राम राम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हो गए ना? बढ़िया है, सब ठीक रहना, खुश रहना और मस्त रहना। स्वागत है आपके अपने इस ब्लॉग के एक और नए ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत मंदिर के सामने से कर रही हूँ, और क्यों कर रही हूँ ये भी दिखा रही हूँ। शाम को जोत लगा के इसमें, अरे ये इस तरफ बाहर रखती थी, दरवाज़ा बंद हो गया ना, अरे ऐसे सरक गया इसके नीचे, ये कपड़ा था, बस बच गए कल तो। समय लाएंगे कहीं को भी यूँ नहीं है कर। वैसे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं इधर, तो कहीं को भी सारा लकड़ का काम है, थोड़ी सी भी आग पकड़ी हो तो वह कपड़ा कपड़ा जल के रहेगा। सारे भगवाना ने बचा लिया उस, तो अब इसका करती हूँ मैं साफ करती हूँ मंदिर की सफाई, इनको करके अच्छी तरह से फिर दिखाती हूँ। एक बार इसको अच्छी तरह से अब साफ कर दूँ तो देखते रहियो। मंदिर का ये होने के बाद यूँ तो होता है भाई, भगवान है है ना, घर में भगवान है, बैठे हैं तो ये आपके हमेशा मदद करेंगे, जो आज हम हमारी करी है जैसे कल, तो ये करते हैं। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, सब्सक्राइब करा करो, लाइक कर दिया करो और शेयर तो कर ही दो। है करती हूँ मैं मंदिर की सफाई, अब आप देखते रहिए, दिखाती हूँ थोड़ा, जो मैंने इनका दोबारा इनका स्नान वगैरह का करूँगी मैं, कपड़ा बिछा कर ना, और दोबारा करूँगी सारा इनका सेटिंग दोबारा से करती हूँ। वैसे सही कहते हैं, घर में जब मंदिर होता है ना तो बाहर निकलने से पहले, कहीं जाते हो बाहर शाम को वापस आना है तो बाहर निकलने से पहले एक बार भगवान जी को कह के जा करो, गणपति बप्पा हो या जो भी हो, तो मिलते हैं शाम को आकर, तो आपके हमेशा मदद करेंगे जो हमारी आज करी हो गया। सारे सारे का स्नान करवा के सारे विराजमान दोबारा कर दिए, कपड़ा चेंज कर दिया और मंदिर की सफाई कर दी, यो काम मेरा हो गया। तो ये करने के बाद शाम को फिर मैं कपड़े उतारने ऊपर जा रही थी, सूखे हुए थे, तो यहाँ हमारे कबूतर बहुत बैठे होते हैं तो उन्होंने अपने घोंसले भी बनाए हुए, उनके अंडे वगैरह फूटे हुए थे, तो मैं एक बार इनको साफ कर देती हूँ, वो लगी थी फिर मैं साफ करना नहीं है। संडे को दोपहर को भी स्टार्ट करो तो इतने काम हो जाते हैं, कितना ही कर लो फुर्सत ही नहीं होती काम का। तो ये है चाहे दोपहर से स्टार्ट कर लो लोग को या शाम को कर लो, तो काम तो चलता ही रहता है, कभी बैठते तो है ही नहीं। यूँ होता है ना लेडीज को, तो ये होता है अभी यो पड़ा है, यो कर लूँ, अभी यो पड़ा है, ये कर लूँ, एक काम आगे से आगे रहता ही है। मैंने सोचा था मैं दोपहर बाद क्या ब्लॉग शूट होएगा, तो दोपहर बाद भी मेरे तो उतने ही हो रहे हैं। कपड़े ऊपर से लाने के बाद फिर मैं अपने कपड़े की लगी थी तय करने, साथ में चाय बना ली थी, पर उस चाय को वहीं मग में रख के भूल गई, कपड़े की तय करने में ही लगी रही, वो इतना ठंडी होगी फिर मज़ा नहीं आया पीने में। क्यों मैं अपनी स्पेशल बनाती हूँ चाय, तो फिर दोबारा बनानी पड़ी। आज मैं की खिचड़ी बना रही हूँ, बाजरे की लग रही हूँ। फिर फटाफट से मिक्सी में मैंने बाजरे का किया और खिचड़ी लगी बनाने, साथ में फिर अपनी चाय दोबारा बनाई। आज वाम दस्ते मैंने ही किया, क्यों एक तो आने में लेट हो गए थे, फिर कहीं गए हुए थे, तो मिक्सी में ही मेरे को ठीक लगे, और मेरे माँ ने कई दिन हो गए थे खिचड़ी मांगते हुए। पीछे जब मैं सूप लेके आई थी तब कई बहना ने कहा था, मैंने कहा था मैं वर्क करवाऊंगी, तो कई बहनों ने बोला था कि वर्क करवाओ जब हमारे को दिखाना, जो मैं सर्दियों के सपन के सूट लेके आई थी, तो मैं आज ले आई हूँ क्यों, फिर मैं सिलने दे के आऊँगी इनको, तो मैंने सोचा मैं पहले ही दिखा दूँ, क्यों सिलने वाले का ये नहीं पता वो कितने दिन में सिलेगी, तो मैं पहले दिखा दूँ फिर मैं सिलने दे जाऊँगी इनको। ये इसका नेक है, दिख रहा होगा, ये नेक है इसका और ये बाजुओं का, ये बाजुओं पर सपन का सूट है, ये मैंने सपन का लेके आई थी प्लेन, या तो प्लेन पाइपिंग वगैरह भी करवा लो, पर मैंने वर्क करवाना था क्योंकि एक आधा छोटे मोटे फंक्शन में डाला जा सका है, फिर ये चुन्नी तैयार करवाई हूँ, चुन्नी वो ही कर देती है फिर।
चुन्नी वही करवाती है। मैंने ये कलर ज्यादा डलवाया है इसमें चुन्नी में, ग्रीन वाला तो दिखा देती है, वो भेज देती है कि ये कल डिजाइन आया हुआ है तो कौन सा कलर करवाएं। तो मैंने उसको बोला था मेरे वो ग्रीन ज्यादा दिख रहा है तो ग्रीन करवा देना, तो उसने चुन्नी में ग्रीन करवा दिया। और पल्लों पे कोई यही कलर है, दूसरा ब्लैक है, मेरे पास ब्लैक कलर नहीं था। तो कई बार ऐसा फंक्शन हो जाता है जिसमें ड्रेस कोड होता है ब्लैक का, तो इसलिए मैंने ब्लैक तैयार करवाया। मैं एक मेरा ब्लैक कर दे, क्यों आज होता ही है शहरों में कभी किसी फंक्शन पे ब्लैक कोड हो गया, किसी पे ग्रीन हो गया, तो एक कलर तो होना ही चाहिए कम से कम, कई सूट एक जैसे नहीं है तो एक तो हो। तो ये मैंने ब्लैक तैयार करवाया, इसका पूरे पहने हैं। ये बाजू और फिर इसी कलर की फिर चुन्नी सेम, ये चुन्नी है इसके साथ में, ये कलर करवाया हुआ है। कंप्यूटर का काम नहीं है, मशीन का काम है, जहाँ मशीन का होता है वहाँ मशीन का करती है, जहाँ हैंड वर्क की जरूरत होती है वहाँ हैंड वर्क करती है। कंप्यूटर वाले जब भी खराब हो जाते हैं तो मशीन वाला ठीक रहता है। एक कलर ये है स्प्रे पेंट है, ये स्प्रे पेंट है इसके, उसी ने डाई किया था ये। मैं वैसे बोल के आ गई थी डाई करवा के, फिर उसने करवाया, कई बार से करवाती है फिर स्प्रे पेंट। तो ये कलर मेरे को अच्छा लगा था तो मैं एक मेरा भी बना दे, ये आजकल कलर चला हुआ है ना, ये इसकी चुन्नी है। ये चुन्नी एक फिरोजी था, फिरोजी आया नहीं है अभी, काम हो गया उसका, अभी वर्क हो के आया नहीं है फिरोजी का। फिरोजी आएगा तो फिरोजी दिखाती हूँ कैसा हो गया, आएगा अभी तो मेरे को ही नहीं पता है। तो ये थे मेरे वर्क, ये मैंने दिखा दिए, आप लोगों ने कहा था मैंने दिखा दिया तो कैसे लगे बता देना। श्याम के उसमें रूटीन में मेरा सारा काम हो गया, खिचड़ी बनाई थी खा ली, दही जमा दी है, सेल्फ साफ कर दिया, बर्तन साफ कर दिए, तो सब मैं भरी हूँ। चलो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और जो न्यू आते हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब जरूर करा करो न्यू आने वाले। तो मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, शुक्रिया और गुड नाइट।